शोएब मलिक क्या बात कर रहे हैं। शोएब मलिक बहुत अच्छे ऑलराउंडर रह चुके हैं पाकिस्तान के, लेकिन अब उनका टाइम पूरा हो गया, अब उनके उनसे हट के बातें करनी पड़ेंगी ना अब तो। भाई भले ही टाइम पूरा हो गया लेकिन वो अभी भी फिटनेस है ये बात नहीं समझती टीम मैनेजमेंट। लेकिन अबे पागल है हमारी टीम मैनेजमेंट यार, लेकिन जो वो ऐसे लड़ले खिलाड़ियों को लेके गए खुश दिल शाह। अबे कोई बैट्समैन है वो, इससे लगते नहीं है हैदर अली। हैदर अली अबे इसकी जगह रख लेते यार, वो कोई हिटर है। मलिक है हमारा हिटर यार, 40 साल की उम्र में भी वो बंदा कर खेल रहा है। अभी कश्मीर प्रीमियर लीग में उसने कैसा खेला है। अबे नहीं समझते ये लोग यार बात को, पाकिस्तान के जज्बातों से खेलते हैं यार ये लोग। इतना गुस्सा नहीं हो आप, ठीक है यार। मैं कसम से दिल तो कर रहा है कुछ बोल दूं लेकिन बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं बस। एयरपोर्ट पे आएंगे ना पत्थर। लेकिन अबे नहीं यार, अबे मैनेजमेंट की गलती है यार। जो सिलेक्टर है ना हमारे मोहम्मद वसीम, उसकी शक्ल पे लानत लानत देखता हूँ तेरी शक्ल पे। बस मैं अपने अंदर के जज्बात है ना। अबे खुद ने तो 2 से 3 टेस्ट खेला है भाई, 2 से 3 टेस्ट खेल के हमारा सिलेक्टर बना हुआ है तू। मेरे जो अंदर के जज्बात है ना, मैं कैमरे के आगे बयान नहीं कर सकता हूँ फिलहाल तो। बयान करो ना, आप हंस क्यों रहे, बयान करो अपने जज्बात दिखाओ। हंसने से क्या होगा यार, पाकिस्तान टीम का फाइनल आ रही है यार, 137 रन बनाए, ये कोई रन है क्या। अब टीम हार चुकी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता। अबे 120 बॉल पे 137 रन बनाया है, एंड के 5 ओवर में 30 बॉलों पे 18 रन बनाया, ये कोई रन बनाया है। लाने थे तुम्हारी बैटिंग पे। अबे मेरे दिमाग खराब हो रहा, कुछ बोल दूंगा मैं, मेरे मुंह से निकल जाएगा। बाबर को जो है फारिग कर देना चाहिए वैसे मेरे ख्याल में अगर देखा जाए। अबे रिजवान को तो पहले निकालो, उसका कद तो देखो इतना सा है, ऐसा लगा बाउंसर भी आएगा तो यूं मारेगा, इतना छोटा सा विकेट तक आ जाता है। अबे जा भाई तू अपने, इतने बेहतर सरफराज खेलता है तेरे से अच्छा। तुम तो सिर्फ अपनी रैंकिंग कर रहे हो भाई, तुम अपनी बैटिंग नहीं देख रहे हो, सिर्फ रैंकिंग कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ ऊपर आना है, तुम्हें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। आप बॉलिंग के बारे में कुछ कहेंगे। बॉलिंग यार, बॉलिंग से तो यार बॉलिंग से कुछ नहीं बोलना, बॉलिंग से हमारे को कोई मसला नहीं है, बॉलिंग बहुत अच्छी की है। शाहीन अफरीदी आज अपना ओवर छोड़ के चले गए, अगर वो ओवर होता तो हम शायद मैच के अंदर। यार देखे फिटनेस जो होती है ना ये टीम मैनेजमेंट देखती है। हमारी टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है, बस शाहीन को खिलाना है। अबे भाई जब वो इंजर्ड है तो आमिर को ले आओ यार, वहाब रियाज को ले आओ, दोनों अभी हैं तो सही। नहीं भाई तुम्हें खिलाना इन्हीं को ही है, तुम्हें इन्हीं को रगड़ना है। जब तक ये परफॉर्म नहीं करेंगे ना, जब तक ये रगड़ जाएंगे तब तक उनको रगड़ना है तुम्हारे को, फिर उसके बाद बैठा देना, फिर दोबारा ले आना पुराने किसी को। लेकिन हमें एक चांस मिला था, ऐसा हुआ था कि बस बच्चा मरने वाला है, बंदा मरने वाला है, और एकदम से उसने आगे खोली और फाइनल में आ गया। लेकिन फाइनल में ऐसा होना नहीं चाहिए था, फाइनल में अच्छा खेल पेश करना चाहिए था, जितवाना चाहिए था यार। इसी हमारे एशिया कप खेला, हमारे सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 रन शॉर्ट थे, वरना मैच हमारे हाथ में था। ये मुझे लगता है आई थिंक 160-170 होना चाहिए था स्कोर, तब जाके पाकिस्तान टीम जीती। चला आप कुछ कहे ना पाकिस्तान क्या इतने। अरे बोलो ना, जज्बात जाहिर करो ना, बोलने चुप रहने से थोड़ी कुछ होगा। सामने में मार दूंगा। अरे मारो बहन, जो मारो पकड़ के मारो यार, बोलो। मार दूंगा, ये मेरे सामने आए सारे, बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग यार। बॉलिंग बैटिंग लगाई, ऐसा लग रहा है इंग्लैंड के साथ हो तुम लोग, जज्बात ही नहीं दिखा रहे हो अपने यार, हंस रहे हो दोनों मिलके। मेरे भाई तू सामने ला, मैं मारूंगा पकड़ के सबको। तू मारेगा, यहाँ पे कैमरा है ना, ऑन द कैमरा है, बोल। कैमरे के सामने आ भाई बाबर, तू मेरे सामने, मैं तुझे बताऊं। इस तरीके से थोड़ी होता है यार, कैसे होती है तेरे को, मैं ला दूं कच्ची पिच पे। तू आप मेरे साथ खेल ले बाबर आदम, 6 बॉल पिला दूंगा तेरे को। अब तुम लोगों ने कोई बैटिंग की है, ये तो घटिया बैटिंग की है।